वेलकम टू माय चैनल रतन कुंवर। आज हम मटर मशरूम की सब्जी बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से बनके तैयार भी हो जाती है। मशरूम फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी होती है। मशरूम में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होते हैं, तो आजकल बच्चों में बहुत ही ज्यादा विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो बच्चे बड़े सबको आप ये मशरूम खिलाइए, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। सब्सक्राइब फ्री है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना पड़ता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। सब्जी में मसाले जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। ये सामग्री देख लेंगे। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मशरूम लिया है, जिसे मैंने अच्छे से दो पानी से धो लिया है, और 100 ग्राम मैंने यहाँ पे मटर लिया है। मटर को मैंने बॉईल कर दिया है। मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया। मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। एक मैंने प्याज है जिसे बड़ा बड़ा काट लिया है। 2 मैंने यहाँ पे टमाटर है जिसे काट लिए है। 10 से 15 मैंने यहाँ पे लहसुन ले लिए है, और मैंने यहाँ पे कुछ कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी फ्रेंड्स ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, वरना आप इसकी जगह पे धनिया पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। 1 टीस्पून हम यहाँ पे मिर्ची पाउडर ले लेंगे, 1 टीस्पून हम यहाँ पे धनिया पाउडर ले लेंगे, 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लेंगे, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे राई ली, 1 टीस्पून हम यहाँ पे जीरा ले लेंगे, और 4 टेबलस्पून हम यहाँ पे तेल का इस्तेमाल करेंगे। इस पे हमने पैन चढ़ा दिया है, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, अदरक और लहसुन भी ऐड कर देंगे, और इन्हें हम इस तरह से चलाते हुए इसका कच्चापन निकलने तक पका लेंगे। इसका कच्चापन निकलता है तो इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो अब हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। आप चाहें तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं, काजू या फिर कलिंगर मगज का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे, इसमें मिर्ची पाउडर भी ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पे लो रखेंगे, लो फ्लेम पे हम मसालों को पकाएंगे। अगर गैस की फ्लेम हाई रखेंगे तो मसाले जो है आपके जल सकते हैं, इसलिए गैस की फ्लेम लो रख के ही मसालों को जो है पकाइए। और मसाला भी जो है अच्छे से पक चुका है, तब गैस की फ्लेम हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। ये ठंडा हो रहा है जब तक हम मशरूम काट के ले लेंगे। ज्यादा छोटे टुकड़े हमें मशरूम के नहीं करने हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पीस लिया है। तो ये ग्रेवी भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, और मशरूम को भी मैंने काट के ले लिया है। तो अब हम गैस पे एक पैन चढ़ा देंगे। 2 टेबलस्पून तेल डाल दिया है, 2 टेबलस्पून मैंने पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। तेल आप देख सकते हैं गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें राई और जीरा ऐड कर देंगे। राई हमारी चटक रही है, अब हम ये ग्रेवी ऐड कर देंगे। ग्रेवी ऐड करते समय गैस की फ्लेम लो रखिए, क्योंकि हम ग्रेवी जैसे ही पैन में डालेंगे उसके छींटे उछलेंगे। फिर ढक के पका लेंगे जब तक ये तेल छोड़ना शुरू ना कर दे। तो ये देखिए, ग्रेवी भी जो है अच्छे से पक चुकी है। आप ढक्कन लगा के पकाएंगे तो बीच बीच में ढक्कन हटा के इसमें चम्मच चलाते रहिए। ढक्कन लगा के पकाने से इसके छींटे नहीं उछलते हैं। ये मशरूम ऐड कर देंगे। फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम इसको 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे, और इसे हम ढक के पकाएंगे। मिनट हो चुका है, ये देखिए मशरूम भी। मशरूम को ज्यादा पकाएंगे तो मशरूम जो है पानी छोड़ना शुरू कर देंगे, तो इसीलिए हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है। और अब हम मटर ऐड कर देंगे। मटर को मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिया था, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 मिनट हो चुका है, तो अब हम गैस की फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे। कसूरी मेथी डाल देंगे। ये हमारी सब्जी जो है बनके तैयार हो चुकी है, तो इसे मैं एक सर्विंग बाउल में निकाल दूंगी। मटर मशरूम बनके तैयार हो चुकी है, तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसमें समय भी नहीं लगता है ज्यादा। मेरा वीडियो जो है फ्रेंड्स एंड तक देखिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली नई रेसिपी में।